दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने जाना कि कृषि क्या है, वो कितने प्रकार की होती है, मौसमी फसलें कितने प्रकार की हैं, और मुख्य फसलें जैसे गेहूं और चावल के बारे में हमने जाना। अब हम मोटे अनाज को देखते हैं। मोटा अनाज देखिए, इन सब अनाजों में जैसे ज्वार है, बाजरा, रागी, सामा, कोदो, मक्का, ओट्स और जौ, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी फसलें हैं। क्योंकि ये जो हमारी फसलें हैं, मोटे अनाज हैं, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं लगते, लेकिन इसके पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और अब तो डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि हमें मोटा अनाज खाना चाहिए ताकि हम अपने शरीर को स्वस्थ और फिट रख सकें। तो देखते हैं मोटे अनाज में और क्या क्या विशेषता होती है। इसमें पोषक तत्वों के रूप में हमें लोहा और कैल्शियम की मात्रा अधिकता में पाई जाती है। यानी अगर हम इन मोटे अनाजों का सेवन करते हैं रोटी के रूप में या अन्य खाद्य पदार्थों के रूप में, तो हमें इससे लोहा और कैल्शियम, जो कि हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में मिलती है। मोटे अनाज मुख्य तौर पर भारत के कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और झारखंड में भी पाए जाते हैं। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे राज्यों में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इतने क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और एक मोटा अनाज वहाँ पर, मोटे अनाज की खेती वहाँ पर अधिक होती है जहाँ पर जनसंख्या दबाव अधिक होता है। लोग एक अनाज के ऑप्शन में दूसरी इन मोटे अनाजों को रखते हैं कि अगर एक अनाज नहीं हुआ तो उसके साथ साथ इन सब अनाजों से काम चलाया जा सके। उसके बाद हम देखते हैं दालें। दालें भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और ये हमारे भोजन का एक मुख्य हिस्सा है। भारत में सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन होता है और ज्यादा मात्रा में खपत भी है। इसमें अधिक मात्रा में हमें प्रोटीन मिलता है। दाल के सेवन से हमें प्रोटीन मिलती है और दाल जो दलहनी फसलें हैं उनको उगाने के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता या नमी की आवश्यकता नहीं होती है। इनको शुष्क क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। दूसरी इसकी विशेषता है कि भारत दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। जैसे मैंने बताया कि भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में दाल की खपत होती है, तो दलहनी फसलें भारत में कहाँ कहाँ, दलहनी फसलें फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसल आ जाती है? तो अरहर है, मूंग, मसूर, उड़द, चना इत्यादि, और बहुत सारी फसलें हैं जो दलहनी फसलों में आती है। इससे मुख्य क्षेत्र मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और भी बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर इनको मुख्य रूप से उपजाया जाता है। ये तो हो गया मुख्य अनाज, मोटा अनाज, दालें। अब हम देखते हैं कुछ गैर अनाज फसलों के बारे में। गैर अनाज फसलों में कौन कौन सी फसल आएगी? गन्ना, तिलहन और भी बहुत सारी फसलें हैं। गन्ना को हम देखते हैं, गन्ना को उपजाने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, कितना तापमान चाहिए, कितनी कैसी जलवायु चाहिए और कहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में गन्ने का उत्पादन हो रहा है, वो देखते हैं। तो गन्ना जो है वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। यानी गन्ने को उपजाने के लिए गर्म और ठंडा दोनों प्रकार की जलवायु की आवश्यकता है। यानी कि मिला के कर सकते हैं तो न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा की मौसम की आवश्यकता है। तापमान कितना चाहिए? गन्ना की फसल अच्छी हो उसके लिए हमें कम से कम तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच का टेम्परेचर होना चाहिए, तापमान होना चाहिए। अब कितनी वर्षा की जरूरत है, पानी की कितनी आवश्यकता है, तो कम से कम 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा की हमें आवश्यकता है। क्योंकि भारत है एक गन्ने का बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, तो इसका विश्व में ब्राजील के बाद दूसरा स्थान आता है। ब्राजील सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन करता है, इसलिए ब्राजील को चीनी का कटोरा भी बोलते हैं। उसके बाद भारत का ही नंबर आता है, दूसरा नंबर विश्व में भारत का ही है गन्ना के उत्पादन में। और इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो क्षेत्र इसके उत्तर प्रदेश, मुख्यतः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ भाग है, वहां पर सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन।
होते हैं तिलहन, ऐसी फसलें जिससे हम जिसको हम खाने के साथ साथ तेल के रूप में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मतलब खाने में वो तेल के रूप में ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, उसको हम तिलहन फसलें कहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा तिलहन उगाया जाता है, विश्व का लगभग 12% तिलहन भारत में ही उत्पादित किया जाता है। इसका प्रयोग हम खाने के साथ साथ साबुन बनाने और सौंदर्य प्रसाधनों में भी इस्तेमाल करते हैं। तिलहन के अंतर्गत आने वाली मुख्य फसल मूंगफली, नारियल, सरसों, तिल, सोयाबीन, अलसी और सूरजमुखी है। इनके अलावा भी और बहुत सारी तिलहन की फसलें हैं जो जिसे हम तेलों का निष्कासन करते हैं। इसका मुख्य क्षेत्र क्या कहा है? आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु इत्यादि, यानी इन जगहों पर मुख्य रूप से तिलहन की खेती की जाती है। ये हो गए कुछ हमारी खाद्य और गैर अनाज फसल, खाद्य फसलों में कुछ मुख्य मोटे अनाज और गैर अनाज फसलें। अब हम रोपण कृषि के बारे में पढ़ते हैं। ऐसी कृषि में फसल बोई नहीं जाती है बल्कि एक पौधे को एक बड़े क्षेत्र पर लगाया जाता है। इस रोपण कृषि के अंतर्गत बहुत सारी फसलें आती है, जैसे केला हुआ, नारियल हुआ, चाय, कॉफी, रबर, ये सब रोपण कृषि के अंतर्गत आती है। और ऐसी कृषि ज्यादातर ज्यादा इनकम प्राप्त करने के लिए या ज्यादा आमदनी प्राप्त करने के लिए की जाती है। एक बड़े क्षेत्र पर इसको लगाया जाता है या रोपा जाता है। इसकी पहली फसल चाय, चाय की खेती कहाँ होती है, कैसे होती है ये जानते हैं। देखिए, चाय से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। चाय हम जानते हैं कि इसको हम रोज अपने पेय पदार्थ के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैक्सिमम घरों में सुबह उठने के साथ ही चाय की चुस्कियों का आनंद लिया जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि चाय बनती कैसे है और इसका उत्पादन मुख्यतः कहाँ किया जाता है। चाय के पौधे को जब हम लगाते हैं तो उसकी पत्तियों को चुन कर करके सुखा कर इसके बाद हम उसको पेय पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं इसको उत्पन्न करने के लिए क्या क्या परिस्थितियां होनी चाहिए। मिट्टी, चाय की खेती के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए? देखिए, चाय जो है वो एक झाड़ी प्रकार का पौधा है। इसकी जड़ों में हमें ज्यादा पानी नहीं लगने देना चाहिए। अगर हम ज्यादा पानी इनकी जड़ों में लगा देते हैं या ज्यादा पानी डाल देते हैं तो वो फसल खराब हो जाती है। तो हमें इन चाय की पत्ती का पौधा जो है वो ढालू स्थान पर लगाना चाहिए, पहाड़ी क्षेत्र में लगाना चाहिए, ताकि जो वर्षा हो या हम जो प्राकृतिक तरीके से पानी उनकी जड़ों में पहुंचा रहे हैं वो ज्यादा देर तक उनकी जड़ों में न टिक रहे, बल्कि वो बह जाए और जितनी नमी की मात्रा जरूरत है पेड़ को उतनी ही प्राप्त हो। तो इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? ह्यूमस एवं जीवांश युक्त गहरी तथा क्षेत्र धारू होना चाहिए। ताकि उनकी जड़ों में पानी ना लगे। दूसरा है इसके लिए, चूंकि हम चाय का जो पौधा होता है उसकी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं तो उसको चुनने के लिए ज्यादा मात्रा में श्रमिक की आवश्यकता होती है। सस्ते और कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है जो उनकी पत्तियों को चुन सके।
अब ये फसल, ये चाय का पौधा लगाया कब जाता है? अक्टूबर से नवंबर के समय में लगाया जाता है। देखिए चाय हमारे देश की मूलतः हमारे देश की फसल नहीं है, इसको अंग्रेज लेकर आए थे और उनके द्वारा ही यहाँ पर प्रसार प्रचार किया गया है। इसके लिए तापमान कितना चाहिए? इक्कीस डिग्री से 27 डिग्री का इसका तापमान होना चाहिए। इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? इसका प्रमुख क्षेत्र है असम पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश,
पौधे लगाए जाते हैं, आम की फसलें लगाई जाती हैं, केरल में केला, बड़े पैमाने पर रोपा जाता है, इसको लगाया जाता है इन फसलों को, बिहार की लीची, बिहार में लीची और मेघालय में तमिलनाडु,
मेघालय, इत्यादि जगहों पर रबर के पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, रबर के बाद हम रेशम, रेशम के बारे में पढ़ते हैं। रेशम कोई फसल नहीं होती है और रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों की जरूरत होती है, जो कि मलबरी वृक्ष की हरी पत्तियों पर पाले जाते हैं। उनके लार्वा से ये रेशम का धागा तैयार होता है और हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं। इसके बाद है कपास। कपास का भारत में एक प्रमुख स्थान है। कपास से भी हमें सूती धागे बनाने में मदद मिलती है, जिसका इस्तेमाल हम कपड़ों में कपड़े बनाने के लिए या अन्य कार्यों को करने के लिए करते हैं। देखते हैं कपास उत्पादन के लिए क्या क्या परिस्थितियां उपयुक्त होंगी। कपास के लिए हमें उच्च तापमान चाहिए, हल्की वर्षा चाहिए, यानी इसको जून जुलाई के समय में लगाया जाता है। ठीक है, इसका मुख्य उत्पादक क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एवं क्षेत्र। ये रही कपास के उत्पादन की कुछ भौगोलिक परिस्थितियां, जिसमें कपास अच्छे से तैयार होता है। रेशेदार फसलों में जूट भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जूट को हम उपयोग करते हैं बोरे के रूप में या कली बनाने के लिए। के बारे में देखते हैं, जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जूट को जूट के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसका प्रोसेस कंप्लीट कर
सच्चे समित्रों का होना बहुत ही आवश्यक। चूंकि झूठ का निर्माण करना गाने से लेकर तैयार करने तक का जो प्रोसेस है वो बहुत ही हार्ड है, अतः इसकी जो तैयार होने के बाद जो कीमत होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, जिसके कारण लोगों के बीच में इसकी लोकप्रियता कम है। इसका स्थान अब नायलॉन ने ले लिया है, जो कि बहुत ही सस्ता और टिकाऊ होता है, इसलिए लोग अब इसका ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि वो पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, जूट ही अच्छा है, लेकिन कॉस्ट ज्यादा होने से इसकी डिमांड अभी कम हो गई है। तो अब तक हमने विभिन्न फसलों को देखा, उनको जाना पड़ा, लेकिन एक चीज नोटिस करने लायक है कि जब खेती करनी शुरू हुई थी हमारे पूर्वजों द्वारा और आज जो खेती हो रही है इसमें क्या अंतर आया है, तब का खेती करने का तरीका और आपका जो खेती करने का तरीका है उसमें कितने तरह के बदलाव आए हैं, ये हम जानेंगे प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार के अंतर्गत। तो हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व 1943 में भयंकर अकाल आया था, जिसमें अनाजों की कमी हो गई थी और लाखों की संख्या में लोग भूख से मर गए थे। तो जब देश स्वतंत्र हुआ तो जाहिर सी बात है सबका ध्यान कृषि पर ही केंद्रित हुआ कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसी कौन सी योजना लाई जाए जिससे कृषि को मेन मुद्दा बना करके मेन टीम बना करके आगे बढ़ा जाए। तो जब प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई गई उस समय कृषि को ही ध्यान में रखा गया और कुछ निर्णय लिए गए। क्या निर्णय लिए गए? संस्थागत सुधार के लिए जोतों की चकबंदी की गई। देखिए उस समय लोगों के जो खेत थे वो एक ही किसान के तीन चार जगह पर छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए होते थे, तो उसको खेती करने में दिक्कत होती थी या कोई एक फसल बड़े पैमाने पर लगानी है तो वो नहीं लगा पाता था। तो उसके लिए क्या किया गया? जोतों की चकबंदी की गई, यानी उसके सब छोटे छोटे खेतों को मिला करके एक जगह बड़े खेत के रूप में तब्दील किया गया ताकि वो अच्छे से खेती कर सके। दूसरा है सहकारिता को बढ़ावा दिया गया और जहाँ इस तरह संभव नहीं था वहाँ लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि सब लोग छोटे छोटे टुकड़े पर खेती ना करके एक साथ मिल करके खेती करें एक साथ बड़े पैमाने पर और जितनी भी फसल होती है उसको आपस में बांट लें। उसके बाद जमींदारी प्रथा को खत्म करके लोगों को पट्टा दिया जाना शुरू किया गया। 1960 और 70 के दशक में टेक्नोलॉजी पर आधारित बहुत सारी क्रांतियां जिसमें हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के बारे में हम जानते हैं, हरित क्रांति जो गेहूं से संबंधित थी, श्वेत क्रांति जो दूध से संबंधित थी, इसमें आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करके आधुनिक या कहने की टेक्नोलॉजी का यूज करके पैदावार को ज्यादा किया गया। ज्यादा कैसे किया गया? उसमें सुधरे हुए बीजों को चुना गया। सुधरे हुए बीजों का मतलब है कि उच्च क्वालिटी के जो बीज थे उसको ही बोने के लिए इस्तेमाल किया गया। कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, जितनी भी फसलें थी मान लीजिए किसी कीट पतंगे से अगर वो प्रभावित हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो उसमें कीटनाशकों का प्रयोग किया गया ताकि कीट पतंगे फसलों में ना लगे और खरपतवार जो रहते वो खत्म हो जाए। साथ ही साथ रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया। पहले जो जैविक खाद इस्तेमाल की जाती थी खेतों में उससे ज्यादा उत्पादन नहीं होने लगा तो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाने लगा जिससे कि पैदावार बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई। फिर है इसमें 1980-90 के दशक में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग से फसल की बीमारियों के लिए फसलों की बीमा की व्यवस्था की गई कि अगर आप मान लीजिए आग से या किसी कारणवश आपकी फसल नष्ट हो जाती है तो उसके लिए बीमा फसलों की बीमा की गई।
नेक्स्ट है इसमें किसानों को कम दर पर ऋण उपलब्ध कराया गया, क्योंकि किसान बहुत ही गरीब थे स्वतंत्रता के समय, या हमारा देश स्वतंत्र होने के बाद भी अभी गरीबी थी, तो लोग ज्यादा से ज्यादा खेतों में अपना पैसा नहीं लगा पा रहे थे, तो सरकार द्वारा कम ऋण पर उन्हें पैसा उपलब्ध कराया गया ताकि वो उन्नत बीजों और जितनी भी टेक्नोलॉजी, जो उन्नत टेक्नोलॉजी अभी इस्तेमाल कर सकते थे, उनको किए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाने लगा। उसके लिए किसानों को कम ऋण पर ऋण, कम दर पर ऋण उपलब्ध कराया गया और कई बैंक खोले गए और साथ ही साथ किसान को क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध कराया गया। साथ ही किसानों की जब फसल तैयार हो जाती तो उस फसल को बिचौलियों से बचाने के लिए अनाजों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया कि इस मूल्य से ज्यादा में बिचौलिए खरीद सकते हैं या अदर लोग खरीद सकते हैं, लेकिन कम में नहीं, यानी उसकी किसान की जितनी लागत होती थी कम से कम उतना एक अच्छा मूल्य उसको मिलना चाहिए। और क्या क्या किया गया, भारतीय कृषि में सुधार करने हेतु कई अनुसंधान परिसर खोले गए, कृषि के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए कई सारे सेंटर खोले गए जिसमें दिन प्रतिदिन बीजों पर और शोध होता गया कि कैसे हम कोई भी उन्नत बीज का इस्तेमाल करके अच्छा प्रोडक्शन हम पा सकते हैं। साथ ही मौसम का पूर्वानुमान के क्षेत्र में भी अनुसंधान किया गया, यानी जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा भारत जो है, भारत देश की जो कृषि है वो मौसम पर ज्यादा निर्भर है, यानी मानसून पर ज्यादा आधारित है, तो कब आंधी आए, कब पानी आए, कब सूखा पड़े, इसके लिए पूर्वानुमान के लिए सेंटर खोले गए, उसमें शोध किया गया कि किसानों को कम से कम समय से पहले बता दिया जाए कि हाँ ये परिस्थिति होने वाली है, बारिश ज्यादा होने वाली है या आंधी तूफान आने वाले हैं या ओलावृष्टि होने वाली है, तो उससे वो अपने खेत की सुरक्षा कर सके। तो इतना कुछ किया गया हमारे कृषि के लिए, तो क्या फायदा मिला, कितना फायदा मिला, और जितना उत्पादन हुआ होता है या हो रहा है तो उससे हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और रोजगार और उत्पादन में हमारे कृषि का कितना महत्व है, यानी कितना परसेंट अभी हमारे कृषि का हमारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सहयोग हो रहा है। तो हम जानते हैं कि हमारी दो तिहाई जनसंख्या, भारत की दो तिहाई जनसंख्या जो है वो अभी कृषि कार्य में लगी हुई है और लगभग 60% जो जनसंख्या है वो कृषि आधारित उद्योगों से अपनी जीविका चला रही है, उद्योग करके वो अपने लिए इनकम पा रहे हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, पेपर उद्योग है, इन सब में देश के हमारे 60% लोग रोजगार पा रहे हैं। अब इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा, चूंकि हमारा देश मैंने बताया स्वतंत्रता के समय में बहुत गरीब था और अभी भी बहुत ज्यादा सुधार तो नहीं ही हुआ है, तो हमारे देश के लोगों के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है, सरकार ने व्यवस्था की है कि उन्हें कम दर पर उनको अनाज मुहैया कराया जाए, सस्ता अनाज मुहैया कराया जाए जिससे वो लोग भूखे ना रहे और एक सामान्य लोगों की तरह अपने जीवन को जी सके, गुजर बसर कर सके। तो उसके लिए दो व्यवस्था की गई, एक बफर स्टॉक और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक में क्या है, जब किसान का उत्पादन ज्यादा होता है तो वो अपने रोज के इस्तेमाल के साथ साथ में ज्यादा होने पर वो बाहर बेच देता है, ठीक है, या क्या होता है कि उसमें होता है कि ज्यादा स्टॉक है तो सरकार उसको खरीद लेती है और आपदा के समय के लिए उसको स्टोर करके रखती है। दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये पीडीएस की दुकानें हम हर गांव और शहर में देख रहे हैं जहां पर सस्ते मूल्य में गरीब तबके के लोगों को अनाज मुहैया कराया जाता है। तो ये तो हो गया खाद्य सुरक्षा। एक लास्ट इसमें टॉपिक है वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। चूंकि देखिए देश विदेशों से जो उन्नत बीज लाए गए, उर्वरक लाए गए, कीटनाशक मंगाए गए ताकि हमारे भारत की कृषि जो है वो अच्छे से डेवलप हो सके, अच्छा उत्पादन हो सके,
तो उसका हमारे कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्पादन तो बहुत ज्यादा पड़ा, लेकिन साथ साथ में बहुत दुष्प्रभाव भी देखने को मिले। जैसे हमारी भूमि ज्यादा उर्वरक से हमारी भूमि का लवणीकरण हुआ और बहुत सारी समस्याएं आई जिसको हम रोज प्रतिदिन देख रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर, ये अध्याय चैप्टर, कृषि का चैप्टर खत्म हुआ। अब हम इस जितना आपको पढ़ाए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देते हैं, इसको आप लोग को करना है। अब यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसका आंसर आपको बताना है। चलिए फटाफट दे देते हैं। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो दूसरा। एक फलीदार फसल का नाम बताइए। फलीदार फसल में कौन सी फसल आती है? दालें। दो खाद्य फसल का नाम बताइए। तो गेहूं और चावल। एक ग्रीष्म ऋतु फसल का नाम बताइए। तो ग्रीष्म ऋतु की जो फसल होती है उसको हम खरीफ की फसल बोलते हैं। तो इस प्रकार